हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी का फाइनल पार्ट, और इस फाइनल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैंडिडियासिस के बारे में। कैंडिडियासिस है क्या? कैंडिडियासिस एक ऐसा एसटीडी टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जिसके पीछे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वह है आपके फंगस। और इस फंगस को स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इनको हम बोल सकते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स के द्वारा कॉज किया जाता है। यूं तो एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, इन जनरल ये फीमेल जेनिटल पार्ट में एज यूजुअल की तरह काफी दिनों से ऐसे ही बिना किसी प्रॉब्लम के परसिस्ट करता है। जब कभी भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट इनके अगेंस्ट में ना होकर के इनके फेवरेबल में पोजीशन में पहुंच जाए तो ये अपना जो इन्फेक्शियस वाला सिम्टम्स है वो शो करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसके पहले के पार्ट्स में हमने आपको बताया भी था कि जो यूरिनरी ट्रैक का पीएच है, जो वजाइनल पीएच है, कभी कभी इस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करके रखने में आपकी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट की मदद करता है। सो हम कह सकते हैं कि इसी फंगस के द्वारा कॉज हो सकता है आपका कैंडिडियासिस। ये एक ऐसा इंफेक्शन है जो मेल को भी अफेक्ट करेगा, फीमेल को भी अफेक्ट करेगा, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी हैं। एक विजुअलाइजेशन सिम्टम्स है जिसको देख करके आसानी से समझा जा सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम का कारण कौन है। वह है आपका फंगस कैंडिडा एल्बिकन्स, और इसी को हमने जिसको नाम दिया है कैंडिडियासिस। वो आप सिम्टम्स देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले से कॉजिंग एजेंट है कैंडिडा एल्बिकन्स। इट इज ऑफन प्रेजेंट इन फीमेल जेनिटल पार्ट, बट इट मे एक्टिवेट विद द स्पेसिफिक कंडीशन जहां उनके लिए सुटेबल एटमोस्फेयर मिलेगा। स्टार्टिंग पे या इन्फेक्शन विदाउट कॉजिंग इन्फेक्शन सर्वाइव करता रहता है। जब कभी भी क्लिनिकल इन्फेक्शन अकर होगा उसके पीछे का रीजन जो होगा वो वही है, उनको सुटेबल एटमोस्फेयर मिलेगा जिस एटमोस्फेयर को यूज करते हुए अपना रिप्रोडक्शन और एज वेल एज देयर इंक्रीजिंग नंबर का परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर सकें। तो ये जो आपका अल्टर्ड कंडीशन होगा उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होगा वो बेस्ड होता है आपके हार्मोनल चेंजेस से या हार्मोनल एबनॉर्मैलिटी से। ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो कब, कैसे और किस कंडीशंस में होंगे, देखिए इन जनरल जब कभी भी बात करें मेल और फीमेल की, स्पेसिफिकली अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं फीमेल की, तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी अगर नॉर्मली इन जनरल, तो ये चीजें नॉर्मल प्ले में चलती रहती हैं। जब कभी भी उनकी बॉडी में एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे जैसे कि प्रेगनेंसी अकर होगी तो चांसेस बनते हैं इस तरह के कैंडिडियासिस के कॉज होने की। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे फीमेल सेक्स हार्मोन के लेवल में फ्लक्चुएशन देखना स्टार्ट होता है, कुछ हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, कुछ हार्मोन की मात्रा घटती है, जो कि कहीं ना कहीं अल्टर करेगा आपके वजाइनल पीएच को। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इस बारे में। तो इस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म को ससेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी का दूसरा पहलू है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स को लेने की वजह से। जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स की संख्या ज्यादा होती है, और जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स लेते हैं तो हम अवॉइड करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, तो वो ड्रग उस तरह के हार्मोन की संख्या को, मात्रा को सप्रेस कर रहा होता है बाय आइदर सप्रेसिंग दैट हार्मोन पर्टिकुलरली और किसी और तरह के आपके हार्मोन की संख्या मात्रा को बढ़ा करके। इन जनरल दोनों केस में आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होगी, हार्मोनल एक्टिविटी होगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, वो अल्टर हो रहा होगा। प्रेगनेंसी के केस में इस हार्मोनल के साथ साथ एनाटॉमिकल चेंजेस भी होंगे, साइज ऑफ यूरेथ्रा, यूटरस, इनके भी कहीं ना कहीं चेंजेस में नजर आ रहे होंगे, और साथ साथ बाकी चीजों के लिए भी वहां पर एक ससेप्टिबिलिटी शो होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर किसी पर्टिकुलर महिला के बारे में बात करें जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि वो या तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज में होंगे जहां पे मेंस्ट्रुअल स्टार्ट ना हुआ हो, तब की केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ साथ अगर हम डिजीज के बारे में बात करें तो वो अगर पर्टिकुलरली डायबिटिक की पेशेंट है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना आवश्यक है जिसको जानना आपके लिए भी जरूरी है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आइदर मेल और फीमेल जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके जेनिटल पार्ट में मोस्ट ऑफ द केस कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसको यूं कहा जाना ज्यादा अच्छा है कि कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम उन पर्टिकुलर व्यक्ति में ज्यादा बूस्टअप तरीके से होगा, ट्रिगर अप करने का काम करेगा, रिस्क फैक्टर की तरह काम करेगा जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये कंडीशंस आपके इस तरह के जो आप कैंडिडा एल्बिकन्स हैं इनके ग्रोथ के लिए सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब कभी भी आप ब्लड टेस्ट के पास जाएंगे डायग्नोसिस के लिए और ये कंफर्म होता है कि इफ यू आर हैविंग अ कैंडिडियासिस, तो सबसे पहले जो एक प्रिस्क्रिप्शन होगा उस प्रिस्क्रिप्शन में आपकी ब्लड शुगर लेवल को चेक करने का इंस्ट्रक्शन जरूर होता है। इट इज डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन द डायबिटीज एंड दिस काइंड ऑफ माइक्रोबियल इंफेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके एलिमिनेशन की या इनके पीछे का कारण क्या होता है, इसको
को भी अगर आप देखना चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से कारण ही यहां पे है, फॉलोइंग एलिमिनेशन ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा बाय एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दैट इज सिंपली कंसिडर्ड एज अ सुपर इन्फेक्शन। हमने बहुत पहले जब फार्माकोलॉजी 1 के बारे में बात कर रहे थे, हमारे नेल चैनल फार्मेसी डिक्शनरी में भी इस सुपर इन्फेक्शन के बारे में डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। सुपर इन्फेक्शन एक ऐसा केस है जिसमें इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अगर आप किसी तरह की एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उस एंटीबायोटिक के लेने के कारण से नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा तो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वो किसी और पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करते हुए आपके बॉडी में दूसरा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन, फॉलोइंग एलिमिनेशन ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा बाय यूजिंग अ डिफरेंट एंटीबायोटिक फॉर डिफरेंट पर्पस, नॉट फॉर एसटीडी, फॉर डिफरेंट पर्पस, इट मे कॉज सुपर इन्फेक्शन और उसके कारण से ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि हमने ये भी देखा है आपके एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी के अंदर कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सो इफ सम बैक्टीरिया इज गेटिंग किल्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विच में ऑल्सो इनहिबिटेड बाय द रिस्पॉन्स, मतलब यह हुआ कि अगर बैक्टीरिया की संख्या कम हो रही है आपके डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक के यूज करने के पीछे, तो जो बैक्टीरिया इस तरह के फंगस के ग्रोथ को कम करने का काम करते थे उन्हीं बैक्टीरिया को आपके एंटीबायोटिक ने कम कर दिया, तो वहां पे उस एंटीबायोटिक का काम तो हुआ लेकिन उस एंटीबायोटिक की एक्टिविटी की वजह से अब दूसरा इंफेक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज सिंपली कंसिडर एज अ सुपर इंफेक्शन। ठीक है, यह आप चीज को समझ में आया होगा, एक इंफेक्शन को ठीक किया लेकिन उस इंफेक्शन को ठीक करने वाली ड्रग की वजह से दूसरा इंफेक्शन स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड सुपर इंफेक्शन। यहां पे एक स्पेसिफिक कंडीशंस भी है जिसको डायग्नोसिस करने में आसानी होगी, उस पे भी आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। वजाइनल कैंडिडियासिस इज प्रेजेंट एस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें उसमें तो जो कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में परसिस्ट कर सकती है, उसमें रह सकती है। जैसे पहला है आपका प्रोटियस वल्वा, इस तरह के प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं। अगर आप डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली फिशी स्मेली स्टिकी डिस्चार्ज होगा उसमें, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वाइट चीजी डिपॉजिट ऑन दिस, मतलब आपके फीमेल में भी और स्पेसिफिकली मेल में भी दोनों में बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आइडेंटिफिकेशन फीचर का एक पहला और इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है एक वाइट और चीजी एक डिपॉजिट जमा होने लगेगा जेनाइटल पार्ट के अपर पार्ट में। तो इसे देख के समझा जा सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम यानी कि आपकी कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, आपके डायबिटिक चेक किए जाएंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कल्चर किया जाएगा, तब इसके बारे में और कंफर्मेटिव तरीके से एश्योर हुआ जा सकता है। अगर हमें इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो लिमिटेड सोर्स के अकॉर्डिंगली नायस्टेटिन इसका एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट के रूप में यूज होता है। सो नायस्टेटिन एडमिनिस्टर्ड वजाइनली, इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे देखिए, दिस इज वजाइनली एज आइदर क्रीम और प्रेशरी और अदर फॉर्म दैट इज फॉर्म ऑफ फोमिंग टैबलेट, इनके फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। और ये जो टैबलेट है वो आपके वजाइनल रूट से इंसर्ट किया जाएगा क्योंकि वहां पे आपके कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल कैंडिडा एल्बिकम्स की कॉलोनाइजेशन हो रही है, वहां पे उनका ग्रोथ ज्यादा है। सो लोकल जगह पे इस तरह के ड्रग को देंगे तो रिलीज चांसेस क्रीम हो, प्रेसरी हो या इस तरह के फोमिंग टैबलेट हो तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। इसके साथ साथ अगर हम के रेजिमेंट के बारे में भी देखें तो देखिए जो एक स्पेसिफिकली होता है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट का रेजिमेंट बोलते हैं, यहां पर देखिए क्रीम ट्वाइस डेली, क्रीम को हमको दिन में 2 बार अप्लाई करना है। 2 वजाइनल टैबलेट इंसर्टेड एट नाइट, जो वजाइनल टैबलेट की यहाँ पे हमने बात किया फोमिंग टैबलेट का, इनको नाइट पे इंसर्ट करना है ताकि ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो आपको बाकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। साथ साथ इसमें अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बारे में बात करें तो 4-7 to 14 days, जैसा कि हमने देखा भी था पहले केस में, इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा। ओरल टैबलेट 3 times, that is 3 oral tablet or 4 times daily, which is used to inhibit the infection, या इसके आगे और दोबारा रिकर होने के चांसेस को ये कम करने के लिए साइमल्टेनियसली सपोर्टिंग वे में दिया जाता है। इसके साथ साथ देखिए मिकोनाजोल जो क्रीम है और इसका 2% क्रीम इज अप्लाइड इन टू द वजाइना एट नाइट 4-7 days, ताकि आप इसके चांसेस को थोड़ा अंडर कंट्रोल कर सकें। तो ये बहुत बेसिक्स है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीजें नहीं है, जो ट्रीटमेंट का रेजिमेन है प्रोटोकॉल है इसको आपको याद रखना होगा, बाकी और अधिक डिटेल्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो इसके साथ हम आज आपका एसटीडी को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए इन सब का समराइज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करते हुए इसको खत्म करूंगा। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो का रेफरेंस जानना चाहेंगे तो इसको मैंने लिया हुआ FSK बराज से और थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो नमस्कार, टेक केयर।